तोड़ा था, चाबी लगी, चाबी लगी हुई थी सर, उसमें रखी हुई थी चाबी। और ये अलमारी ना, इसमें तो कुछ नहीं था अपना, इसमें नहीं था। जी हाँ, अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया। द्वारका नगर के रहने वाली शंभू सिंह की पत्नी पुष्पा देवी ने वारदात की जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने माताजी की तबीयत खराब होने पर परिवार के साथ मकराना गई थी। तबीयत ज्यादा खराब होने पर 4 दिन वहीं रुकना पड़ा। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर ही अंदर प्रवेश करा और अलमारी में रखे 95,000 की नकदी, चांदी की आधा दर्जन पायजेब, सोने के अन्य आभूषण चोरी कर ले गए और वहां से फरार हो गए। जब वह घर पहुंचे तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। इसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जिसमें कि आरोपी की पहचान कर उन पर अग्रिम कार्रवाई की जा सके। मेरी मम्मी बीमार थे तो मेरे को फोन आया था, तो मैं मेरी मम्मी की तबीयत पूछने रात को 9:30 बजे निकल गई थी शनिवार के दिन। फिर वहाँ पे ना मम्मी को एडमिट कराया तो 2 दिन हमको रहना पड़ा, तो हम 4 दिन रुक गए वहाँ पे। 4 दिन से हम यहाँ घर आए तो हमारे घर के ताले टूटे हुए, अलमारी में से सामान गायब और ये सब लेके चले गए। जो जो मेरा सामान था सारा लेके गए। क्या क्या था सामान में? सामान में 95,000 रुपये कैश पड़े थे और 5 जोड़ी मेरी 6 जोड़ी पायल की थी, 10-15 मेरी ये बिछुए थे और नाक की बेसर थी, 7-6 लौंग थे, आधा तोड़े के कान के थे और ये चीज़ें मेरी निकल चुकी लगभग कितने लाख का? ये 2.5 लाख तक का नुकसान हो गया। इसको लेकर शिकायत कर दी? हाँ, ये हमने कल शिकायत कर दी और किशनगंज थाने में करी। अंकल का क्या नाम है? शंभू सिंह नाम है जी। क्या करते हैं? ये रेलवे में गाड़ी चलाते हैं, अपनी खुद की गाड़ी लगाई है सर जी।